नमस्ते नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज खुलेगा इंग्लिश पिटारा। और इस पिटारे में आपके लिए लेकर है आज नाउन का नंबर। और मैं हूँ इश्तियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए आज पढ़ना है नाउन का नंबर। आपने नाउन पढ़ा था है ना, पूरा काइंड उसका। अब नाउन का नंबर पढ़ेंगे। जैसे ये मार्कर है आपका, ये नाउन है ना, कॉमन नाउन है, तो इसका नंबर क्या है? अच्छा वन है, तो ये सिंगुलर है। ये क्या है? ये सिंगुलर है। और अब प्लूरल, कोई दिक्कत? तो आज नाउन का नंबर पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन नंबर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग को यही मालूम है कि एस और ईएस कहीं भी लगा देने से है ना, इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, कहीं भी है ना। तो कहां पे लगाना है एस और कहां पे ईएस लगाना है, ये रूल्स हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां देखिए, तो बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आप बोलिएगा कि इसमें एस लगाएंगे, तो बॉय का एस, तो बॉय से बना एस लगाया मैंने, ठीक है? अच्छा अब बताएंगे बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि सर ईएस लगाएंगे, तो ईएस भी लगा दिए, तो क्या बना? बॉक्सेस। ये नहीं करना चाहे आप। लेकिन अगर मैं यहां पर बॉयज का प्लूरल फॉर्म ईएस लगा कर बनाएंगे तो कोई दिक्कत? आप बोलिए गलत है। हाँ गलत तो है। अच्छा बॉक्स में हम ईएस ना लगाकर एस लगाए क्या? तो आप बोलिए गलत है, क्योंकि रटा हुआ चीज है कि बॉयस कैसे लिखाता है हम लोग को पहले से मालूम है। नहीं, शुरू से पढ़ रहे हैं, बॉयस एस लगता है और बॉक्स का बॉक्सेस में ईएस लगता है। क्या दुनिया में यही दो वर्ड है? नहीं ना, है बहुत वर्ड है, इसके लिए हमको रूल्स जानना पड़ेगा। नहीं, चलिए आते हैं रूल्स पे। अब देखा जाए, दुनिया में कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है, अगर उसका अगर एंडिंग अगर एस से हो, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से अगर होगा है ना, लास्ट में कोई भी नाउन के लास्ट में जो है ये लेटर आपका प्रेजेंट रहे लास्ट में, ठीक है? ये लेटर आपका अगर प्रेजेंट रहे तो उसमें ईएस लगाकर बनाएंगे प्लूरल फॉर्म, कोई दिक्कत? हाँ लास्ट में ये सब होना चाहिए। अच्छा देखिए, तो एग्जांपल में सिंगुलर है और प्लूरल बनाना है इसका, तो गैस, गैस के लास्ट में एस है और रूल में भी एस है यहां पर, हाँ है, तो क्या लगेगा? एस, ईएस, ईएस लगेगा, तो गैस का क्या हो जाएगा? गैसेस, गैस का क्या हो जाएगा? गैसेस, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत है क्या? क्लास लास्ट में डबल एस है, रूल में डबल एस है क्या? हाँ है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, तो क्लास से क्या हो जाएगा? क्लासेस। ब्रश लास्ट में एस एच है, रूल में एस एच, हाँ है, तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस, कोई दिक्कत? चर्च लास्ट में सी एच है, रूल में भी सी एच है, तो क्या हो जाएगा? चर्चेस, ईएस लगाएंगे। और बॉक्स लास्ट में एक्स है, हाँ एक्स है क्या? रूल में, हाँ है, तो क्या लगाएंगे? हाँ ईएस लगाएंगे। और क्विज लास्ट लास्ट में क्या है? जेड है, रूल में जेड है क्या? हाँ है, तो क्या हो जाएगा? क्विजेस, कोई दिक्कत? तो अब क्लियर है हम लोगों का कहां पर ईएस लगाना है। नहीं, अब इसमें भी थोड़ा सा है ना एक्सेप्शन है, तो देखा जाए। देखिए ऑक्स के भी तो लास्ट में एक्स आता है और रूल में एक्स है ना, है ना, और यहां भी एक्स है, तो क्या ईएस लगा दे इसमें भी? नहीं, एक्सेप्शन, ठीक है? इसका ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है? ऑक्सन बनता है, ठीक है, याद रहे। चलिए तो यही आपका सही है ना, ईएस ना लगाइएगा, ठीक है? चलिए अब आगे निकल जाए। इसका एक हॉट टिप से है सी एच वाले वर्ड का। अच्छा ये बताइए, तो लास्ट में अगर सी एच रहेगा तो आप क्या करते हैं? ईएस लगाना है। ये कब सिखाया अभी कि लास्ट में सी एच भी रहेगा तो क्या लगाना है? ईएस लगाना है, कि नहीं कहीं पर नहीं भी लगता। देखिए अगर सी एच में जो है लास्ट में अगर ये रहेगा तो कहीं पर ईएस भी लगता है, कहीं पर एस भी लगता है, कहीं पर ईएस भी लगेगा और कहीं पर एस भी लगेगा, तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर एस लगाना है और कहां पर ईएस लगाना है? नहीं, तो देखिए अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो है अगर चौ रहेगा, क्या रहेगा? चौ रहेगा, तो उसमें क्या लगाना है? ईएस लगाना है, क्या लगाना है? ES लगाना है। और अगर CH का प्रोनंसिएशन जो है को रहेगा तो S लगाना है, क्लियर है ना? अब दोनों क्या बनेगा? प्लूरल फॉर्म, ठीक है? अब सवाल ये है कि CH को कब च पढ़ेंगे और कब को पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं तो आगे निकल जाए। देखिए इधर, अगर CH के पहले अगर वॉवल रहेगा, CH के पहले अगर वॉवल रहेगा, वॉवल A E I O U अगर ये सब अगर रहेगा तो उसमें उसको क्या पढ़ेंगे? कॉ, क्या पढ़ेंगे? कॉ, ठीक है? और जब कॉ पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे? एस, क्या लगाएंगे? एस। और सी एच को चौ कब पढ़ेंगे? जब वो
पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, है ना? तो जब च बोलेंगे तो क्या लगाएंगे? ईएस। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है। तो देखा जाए सिंगुलर और प्लूरल, तो यहां लिखा हुआ है स्टोमक, है ना? तो यहां पर इसको क पढ़ते हैं, सी एच को क्या पढ़े? क कैसे पढ़े? अच्छा, सी एच के पहले ए क्या वॉवेल है, अब वॉवेल रहेगा तो क्या पढ़ेगी? क सी एच को, तो क्या लिखेंगे? स्टोमेक्स, स्टोमेक्स, ठीक है। और इपॉक, ये सी एच के पहले ओ क्या वॉवेल है, तो क पढ़ेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा? इपॉक्स, ठीक है। तो इपॉक कोई दिक्कत नहीं है। चर्च लास्ट में सी एच है ना, और आर इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया है, और जब इससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा सी एच के पहले तो क्या पड़ेगा? च। और जब च पड़ेगा तो क्या लगाएंगे? एस की ई एस, ई एस, ठीक है। क्या हो जाएगा? चर्चेस। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक इसका भी एक्सेप्शन नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि सी एच के पहले अगर कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो उसको में क्या लगाना है? इसमें आपको लगाना है, आपको ई एस लगाना है ना? तो यहां भी तो ई एस लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ना ये सी एच को जो है ना हम लोग क पढ़ते हैं, मोनार्क पढ़ते हैं। मोनार्क मीन्स क्या होता है? सम्राट, ठीक है। जब यहाँ पर आर है, कंसोनेंट है, उसको च पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको क पढ़ेंगे, और जब क पढ़ेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अब तो क्लियर है। चलिए अब आगे देखा जाए। हाँ, अब रूल थ्री क्या कर रहा है देखा जाएंगे। देखिए अब क्या है, अब वाई से एंड होगा। अब कोई भी जो है आपका नाउन जो है वाई से एंड होगा, वाई से एंड होगा, और वाई से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक है। वाई से एंड करेगा और वाई से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? वाई को आई में चेंज करके, वाई को आई में चेंज करके उसमें क्या लगाएंगे? ईएस, तो बन जाएगा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए लेडी बेबी, सब क्लास में वाई है, और वाई से पहले क्या है? डी कॉन्सोनेंट है, बीबी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे? वाई को आई में चेंज करके उसमें ईएस ऐड करेंगे। तो देखा जाए लेडी का क्या हो जाएगा? लेडीज, और बेबी का बेबीज, और बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। आपको क्या पसंद है? आगे देखा जाए। अब रूल क्या है? थ्री है, रूल क्या है? थ्री है, देखा जाए। अब हो रहा है कि अभी भी वाई से एंड करेगा, अभी भी वाई से एंड करेगा, लेकिन इस बार क्या होगा? वाई से पहले वॉवेल रहेगा, वाई से पहले वॉवेल रहेगा, तो ओनली एस एड कर देंगे, एस, ओनली एस, और कुछ नहीं। तो देखिए इधर डे बॉय, वाई से क्या है और वाई से पहले क्या है? ए वॉवेल है, यहां ओ क्या है? वॉवेल है, तो क्या लगाएंगे? एस। तो डे का टेस, और बॉय का बॉयस। अब रूल फोर है, देखा जाए अगर कोई भी नाउन जो है ओ से एंड करेगा, ओ से एंड करेगा, कोई भी नाउन ओ से एंड करेगा, और ओ से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट लेटर होगा, क्या होगा? हाँ, ओ से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो क्या करेंगे? ओनली आपका ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, अगर ओ से अगर कोई भी नाउन अगर एंड करेगा और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे? ईएस ऐड करेंगे। तो देखिए इधर सिंगुलर प्लूरल मैंगो, मैंगो के लास्ट में ओ है, ओ से पहले जी कॉन्सोनेंट है ना। यहां देखिए पोटैटो, ओ से एंड क्या है और ओ से पहले टी क्या कॉन्सोनेंट है? तो रूल हुआ ना जी कि ओ से एंड करेगा और ओ से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, तो क्या लगाना है? ईएस। तो क्या करेंगे इसका? मैंगो का मैंगोज और पोटैटो का पोटैटोज। इसका भी एक्सेप्शन है ना। देखिए इधर फोटो, किलो, पियानो, डायनेमो, सब ओ से एंड क्या है, लेकिन ओ से पहले टी सब है ना, किसी में एल है, किसी में एन है, किसी में एम है, लेकिन सब कंसोनेंट है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको तो ईएस लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है, इसमें एस लगता है, ठीक है। तो फोटो का क्या हो जाएगा? फोटोज। और आप फेसबुक पे देखते होंगे फोटो लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ देखते होंगे, क्या ईएस लगा देते? नहीं ना, एस नॉर्मली। किलो का किलोज, ठीक है, एस वाली। पियानो का पियानोज, और डायनेमो का डायनेमोज। क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ अपना। चलिए अब रूल देखा जाए फाइव। अब क्या होगा? फिर ओ से एंडिंग होगा कोई भी नाउन का,
कोई भी नाउन जो है ओ से एंड करेगा, और ओ से पहले क्या होगा वॉवल रहेगा, ओ से पहले वॉवल रहेगा, इसमें क्या ऐड करेंगे एस, बन जाएगा प्लुरल फॉर्म। ठीक है, तो यहां देखिए इधर वीडियो है, जू है, ठीक है, तो यहां पर ओ से एंड किया, यहां पर ओ से एंड किया है ना जी। अब देखा जाए ओ से पहले ई जो है, ओ से पहले ई जो है वो क्या है वॉवल है ना, वो क्या है वॉवल है, यहां भी ओ से एंड किया है, अब ओ से पहले एक और भी वो क्या है वॉवल है। रूल क्या कर रहा है कि ओ से एंड करे और ओ से पहले वॉवल रहेगा तो क्या ऐड करेंगे एस ऐड करेंगे, है ना। तो बोलिए वीडियो का क्या हो जाएगा वीडियोस एस ना, हाँ एस, और जू का जूस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब रूल सिक्स, अब बोला डबल वॉवल, बोल क्या रहा है कि लास्ट में डबल वॉवल आएगा। अब डबल वॉवल कुछ भी हो सकता है, डबल ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इधर बी है ना और ट्री, तो अब देखा जाए लास्ट में डबल ई है, डबल ई यहां भी है, मतलब क्या डबल वॉवल है ना जी। तो बोल क्या रहा है डबल वॉवल रहेगा तो क्या ऐड करेंगे एस ऐड करेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा बीस, और ट्री का ट्रीज। चलिए कोई दिक्कत, अभी नाउन एंड नंबर बहुत पढ़ाना है हमको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जरा सा कि अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, है ना, ताकि उनको भी लगे, है ना, पढ़े वो भी, देखे वीडियो, अच्छा उनको लगे, है ना। तो आप लोग शेयर क्या कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर देंगे जो नए व्यूअर होंगे इस पर, और कमेंट करके जवाब देंगे कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। जय हो, जय हिंद, जग घूमिया थारे जय सनक होई।